गुम है किसी के प्यार में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। सीरियल में जनरेशन लीप आएगा। लीप आने के बाद कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि अब आ रही है नई पीढ़ी, हो रही है नई शुरुआत। क्या कुछ होने वाला है, चलिए हम आपको पूरी खबर बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। सीरियल गुम है किसी के प्यार में एक होने वाले हैं सई और विराट। सई और विराट एक दूसरे को अपनाने वाले हैं। सई और विराट की शादी होने वाली है। हम आपको बता दें कि विराट और सई दोनों फिर से साथ फेरे लेंगे और सत्या खुद डिवोर्स देने वाला है सई को, और ये सब कुछ काका करवाने वाले हैं। सत्या को सई उसके बाबा दे देगी, तो वहीं सई को सत्या अपने साथ रिश्ते से आजाद कर देगा, क्योंकि आफ्टर ऑल सई को ये रिश्ता नहीं चाहिए था, उसने ये रिश्ता सत्या के साथ मजबूरी में बनाया था। ऐसे में सत्या से अलग होने के बाद सई विराट से शादी करेगी और इन दोनों की शादी के बाद एक बहुत बड़ा हादसा इनके साथ होने वाला है, जहां पर सई को बचाने की कोशिश करेगा सत्या, लेकिन विराट भी मर जाएगा, सत्या भी और सई भी। एक एक्सीडेंट होगा जिसमें विराट की जान को बचाने की कोशिश कर रही होगी सई और सई की जान को बचाने की कोशिश कर रहा होगा सत्या, लेकिन एट द एंड तीनों की ये प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी इन तीनों की मौत के साथ। साथ ही साथ पाखी की भी मौत की खबर मिल जाएगी चव्हाण को। यानी कि गुम है किसी के प्यार के पहले सीजन के सारे कलाकारों का दी एंड हो जाएगा और यहीं से शुरुआत होगी जनरेशन लीप की। हम आपको बता दें कि शो में लीप आएगा 20 साल का, जिसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि साबी बड़ी हो गई है और साबी एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है अपने बाबा विराट की तरह। सावी का किरदार कौन करेगा ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन अपनी माँ यानी कि सई जोशी की तरह डॉक्टर बनेगा उनका बेटा विनायक। विनायक का किरदार टीवी एक्टर फैमान खान निभाने वाले हैं और ऐसे में शुरू होगी इनकी कहानी, क्योंकि हो जाएगा लीप। कितने एक्साइटेड हैं आप इस जनरेशन लीप को लेकर, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।